अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ैफ़ा एडवानी और आप लोग देख रहे हैं एडी एग्जॉटिक बेंचेस पाकिस्तान। आई एम सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। सीज़न का टाइम है, मुझे गायब नहीं होना चाहिए था, मगर मेरी वीडियो एक महीने बाद आ रही है। कोशिश करूँगा वीडियोस टाइम टू टाइम बनाऊँ, क्योंकि मैं थोड़े फैमिली फंक्शंस के अंदर बिज़ी था। और दूसरा जो रीज़न था, जो यहाँ पर लड़का दाना पानी वगैरह करता है, हमारी सारी चीज़ें, मतलब जो हार्ड वर्क जितने भी हैं, जो जिसके लिए एक एक्सपीरियंस बंदे का होना ज़रूरी नहीं है, जैसे दाना पानी वगैरह है, फीडर्स धोना, दाने के पॉट्स धोना, पानी के पॉट्स धोना, वो जो सारे काम करता है लड़का, वो गया हुआ है गांव अपनी फैमिली की शादी, उसकी फैमिली में किसी की शादी है उसको अटेंड करने के लिए। तो इन दो रीजंस की वजह से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। मगर अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियोज़ बनाने की, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा सीज़न की फर्स्ट ब्रीडिंग प्रोग्रेस, मैंने अभी तक शेयर नहीं करी। अब मैं कुछ ब्रीडिंग प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मेरे पास क्या क्या निकला हुआ है और कितना कितना निकला हुआ है और मैं कहाँ तक अभी तक ब्रीड ले चुका हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बने रहिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, थैंक यू। तो बहरहाल दोस्तों, अब सीन ऐसा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस पोर्शन की, क्योंकि इस पोर्शन की ब्रीडिंग मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर करी थी, जब पेयरिंग करी थी तब से लेके अभी तक। तो अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है वो देखते हैं हम लोग। पहले अपने ब्रीडर पेयर्स की तरफ से देखेंगे, ठीक है, जो हमारे ये हैं अपने ब्रीडर पेयर्स हैं जिनसे हम ब्रीड लेते हैं, एग्स लेते हैं, या इनसे खुद भी बच्चे हम पलवाते रहते हैं। तो इनके नीचे क्या प्रोग्रेस चल रही है, पहले ये वाला पोर्शन हम पूरा देखेंगे, फिर उसके बाद हम इस साइड पर आएंगे। इधर फोस्टिंग और ब्रीडर दोनों मिक्स हैं, ठीक है। इधर की लाइट्स थोड़ी सी बंद हो गई हैं, मैं आपको बताया मैं टाइम नहीं दे पाया, वायरिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं डेली यहाँ स्प्रे करता हूँ तो कभी कभार वायरिंग का इशू आ जाता है। तो ये थोड़ा चेकआउट करना है इसको, और ये वाला पोर्शन हम देखेंगे, ये फोस्टिंग पोर्शन हमारा। फिर बाहर भी बर्ड्स हैं ब्रीडिंग के, वहाँ पर भी चक्कर लगाएंगे और गैलरी में भी हैं। तो ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, थोड़ी थोड़ी मैं कवरेज करूँगा, ताकि ये कि सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाएं। अच्छा, इसमें है ब्लैक ब्राउन यूरो का पेयर, ये देखें फुल ब्लैक यूरो का पेयर है, और माशाल्लाह इसने बच्चे भी निकाल दिए। यहाँ पर एक और ब्लैक ब्राउन यूरो का पेयर है, ये फीमेल अंदर बैठी हुई है, इसने चार अंडे दिए हैं, चारों के चारों फर्टाइल हैं। ये देखें मेल कैसे सिंगिंग कर रहा है, फीमेल बाहर आई तो ठीक है। इधर ब्लैक ग्रे का पेड़ लगा हुआ है, मेरे ख्याल से इसके अभी बच्चे मैंने अलग किए थे, इसने वापसी अंडे देना शुरू कर दिए। ये ब्लैक ग्रे का पेड़ है, ये सारे यूरोज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर खाली है, यहाँ पर मेल है दोनों, और यहाँ पर हमारे रेड ब्राउन के पेयर है, दो पेयर थे हमारे पास रेड ब्राउन के, एक ये था, एक पेयर हमारे पास ये था। एक हमारा ये पेयर था, और एक इसी के बराबर वाला खाने में पेयर है, जिसकी फीमेल आज मर गई, मैंने आप लोगों को दिखाई। दिल बहुत दुखा हुआ है, मैं नहीं बता सकता लगी कसम, मगर खैर इसके अंदर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे हैं जी। पांच पांच बच्चे हैं जी इसके अंदर, और इसी के साथ हमारे पास आगे इधर ब्लैक ग्रे के साथ रेड ग्रे का पेयर हमने लगाया भाई, ये रेड ग्रे और ब्लैक ग्रे 5-6 अंडे देके बैठा हुआ है। इसके बाद हमारे पास इधर रेड ग्रे का पेयर है, जिसको मैंने नकली अंडों में बिठाया हुआ है, इसके अंडे मैं घुमा चुका था। इधर भी एक और रेड ग्रे का पेयर है, इसने 2 बच्चे निकाले हुए, बाकी अंडे पड़े हुए हैं, जिसमें एक खराब है, 2 फटाए हैं। ये हमारा इम्पोर्टेड ब्लैक मौका ग्रे का पेयर है,
मौका गिरी यूरो। यार उड़ते बहुत है ना साले, ये इसका मसला इनका ये है। ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा क्लच दे रहा है, पहले क्लच में इसके पास मेरे पास दो बच्चे आ चुके हैं। ये हमारा रेड ग्रे इम्पोर्टेड शो क्लास का पेयर है, ठीक है। और इसके नीचे अल्हम्दुलिल्लाह तीन बच्चे हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इधर लगा हुआ है रेड ग्रे के साथ। उफ्स, ये तो बहुत ऊपर की वर्किंग है, इसको छोड़ देते हैं। खैर, इसने चार अंडे दिए जिसमें से दो फर्टाइल हैं। ये दूसरा क्लच थी, चौथा क्लच है इसका, और उसने थोड़ी गड़बड़ करी है। इससे पहले मेरे पास बच्चे इसके अच्छे आए हैं। इधर मेरे पास ये बीबी पाइड, मतलब ब्लैक एंड वाइट है ये, ठीक है, यूरो के अंदर है ये। पाइड तीनों का मेल है और बीबी पाइड की फीमेल है। इसके बच्चे मैं घुमा चुका हूँ। यहाँ पर मेरे पास वाइट यूरो का पेड़ लगा हुआ है, इसके भी बच्चे मैंने पोस्टर कर दिए हैं। साइज देखें आप माशाल्लाह बर्ड का। इसके बराबर में भी इधर भी मेरे पास वाइट यूरो का पेड़ लगा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से अंडों पे बैठा हुआ है। फिर देख लेते हैं, ये फीमेल आ गई बाहर, मेल फीमेल दोनों बाहर हैं। ये अंडे पड़े हुए हैं इसके, डब्बा लगा देते हैं वापसी। इधर हमारे पास लगा हुआ है क्रिस्टेड रडई का पेड़ एल्बाइनो के अंदर। इधर हमारे पास सी एफ डब्ल्यू इंग्लिश का पेड़ लगा हुआ है ज़ेब्रा फिंच के अंदर, और इसने भी अंडे देना शुरू कर दिए हैं। अच्छा भाई दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये रेडाइस की सारी सीरीज है, ठीक है। और रेडाइस के अंदर हमारे पास ये एक बॉक्स खाली है, इसके अंदर हमारा पेयर बैठा हुआ है क्रीमियों की फीमेल अंडे देके। ये भी खाली, यहाँ पर मैं तकरीबन बच्चे घुमा चुका हूँ, मैं आप लोगों को आगे दिखाता रहूँगा। यहाँ पर क्या है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर चार बच्चे हैं जी रेडाई के, ठीक है जी। इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर मैंने इसको डमी एक्स पे बिठाया हुआ है, क्योंकि इसके अंडे मैं घुमा चुका हूँगा। हाँ, इसके मैंने अंडे अभी हटाए हैं। और इधर भी, यहाँ पर भी हमारे पास क्रीमिनो प्लस क्रिस्टेड का पेड़ लगा हुआ है यूरो के अंदर। इधर हमारे पास क्रिस्टेड क्रीमिनो का पेड़ लगा हुआ है, इसमें क्या है जी, थोड़ा जगह दो। इसके भी अंडे मैं घुमा चुका हूँ, इसमें भी डमी पड़े हुए हैं, इसमें भी डमी है, मतलब इसके भी घुमा चुका हूँ। ये भी यूरो का पेड़ है, रडाई का मेल है और यूरो की फीमेल है। ये भी अंडे दे रहा है, और इसमें जी ये क्रीमिनो के साथ लगाया हुआ है यूरो का पेयर, उसमें बच्चे निकले हुए हैं। देखिए, एक रडाई का है और एक जो है ना ब्लैक आई का है स्प्लिट के अंदर। ये जो है ना, ये ब्लैक ब्राउन का, ब्लैक ब्राउन की फीमेल है यूरो की, उसके साथ इम्पोर्टेड मेल है, ठीक है। ये रहा है इसके अंडे माशाल्लाह। अच्छा देखिए, इधर मैंने फोस्टर किए हुए हैं वाइट के नीचे रडाई के बच्चे, ये आप देखें। इसके अंदर क्रीमिनो का एक बच्चा है, और क्रिस्टेड एक अल्बाइनो क्रिस्टेड का है, और एक नॉर्मल क्रीमिनो का है। ये बच्चे ये रहे दोनों, ठीक है। अल्लाहु अकबर। इसके बाद यहाँ पर बच्चे हैं वाइट के, नॉर्मल वाइट के बच्चे हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर ज़ेब्रा के ऑरेंजेस के बच्चे हैं, ये ऑरेंज के बच्चे हैं सारे। इसमें फॉन ऑरेंज है, एनजी ऑरेंज है, इनके पेरेंट्स वगैरह मैं सबके दिखाऊंगा आपको। इसमें भी ज़ेब्रा के बच्चे हैं, इसमें भी ऑरेंजेस के बच्चे हैं, देखें इजाबेल ऑरेंज है इसमें। इसमें ग्रे इनो शो क्लास के बच्चे हैं स्प्लिट के, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पर और रेड आइज के बच्चे हैं। इसमें सारे क्रीमिनो के बच्चे हैं,
सारे रडई बंगलाइज के बच्चे निकले हुए माशाल्लाह। यहाँ पर हमारा इंग्लिश जेबरा का पेड़ लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अभी ये पेड़ अपने अंडे दे रहा है वाइट के। यहाँ पर भी रेड आईज के बच्चे निकले हुए हैं। इसमें रेड आई हैं और ब्लैक आई स्प्लिट के बच्चे हैं। ये लिखा हुआ है कि रीमिनो क्रिस्टेड प्लस ब्लैक ब्राउन और सारी चीज़ें। तो दोस्तों इसमें देखें, इसमें है ना रेड आईज के बच्चे हैं, तीन दिख रहे होंगे आप लोगों को, और इसके अंदर ब्लैक आई के बच्चे हैं, तीन रेड आई के हैं और दो ब्लैक आई वाइट के हैं। ये भी हमारी वाइट बंगलाइज बच्चे पाल रही है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ जेबरा के बच्चे दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह ये देखिए इसके अंदर ऑरेंज के सारे बच्चे निकले हैं। और ये CFW जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे वाइट वाला चला गया वो यूमो स्प्लिट है, और ये पीछे जितने भी आप देख रहे हैं ना ये ऑरेंज के बच्चे निकले हुए हैं सारे, इजाबेल ऑरेंज, एनजी ऑरेंज वगैरह। ये देखें माशाल्लाह इसका फैक्टर देखें कितना डार्क है बच्चे का, ये मेल बनेगा। तो ये थे कुछ पाँच बच्चे जेबरा के। इसके बाद वापसी यहाँ पर कुछ पाँच बच्चे जेबरा के, ये तो अभी बॉक्स से बाहर आए इकट्ठे बैठे हैं। इसके अंदर फोन फुल ऑरेंज के बच्चे हैं, एनजी ऑरेंजेस के, एनजी पाइड ऑरेंजेस के बच्चे हैं, पाँच छः बच्चे हैं ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें माशाल्लाह ये हमारे रेड आईज के बच्चे बैठे हैं, इसमें चार रेड आई के बच्चे हैं, और माशाल्लाह एक अल्बाइनो है और एक ग्रे इनो है और दो क्रीम इनो है। माशाल्लाह ज़बरदस्त बच्चे निकले हुए हैं, सुर्ख आँखें। अच्छा भाई यहाँ पर हमारे पास दो रेड ग्रे के बच्चे निकले हुए हैं, और एक नॉर्मल पाइड के बंगलीज का बच्चा है, और एक और भी बच्चा तो पता नहीं कहाँ है, ये बैठा हुआ बाहर आगे आया, क्लियर विंग का बच्चा निकला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर पाइड के बच्चे पल रहे हैं, पाइड बंगलीज के भैया सात आठ बच्चे पाल रहा है ये एक पेयर। यहाँ पर हमारे पास ब्लैक ग्रे के बच्चे पल रहे हैं माशाल्लाह, दो ब्लैक ग्रे यूरो के बच्चे हैं, एक ब्लैक ब्राउन यूरो का बच्चा है। माशाल्लाह साइज देखें और क्वालिटी देखें, ये अभी सेल्फ भी नहीं हुए बच्चे, और ये इंशाल्लाह भी आपको अपना वॉश होने के बाद बताएंगे किस स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेड लाइन के बच्चे हैं ये तीनों बर्ड्स। धीरे 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 फीडिंग चल रही है भाई, यूरो की फीडिंग करा रही है नॉर्मल बंगलीज। भाई मैं आप लोगों को एक और बच्चे दिखा रहा हूँ एक और पेड़ के नीचे, ये अंदर घुसा हुआ है, ये आ गया भाई, ये देखें माशाल्लाह इसमें चार बच्चे रेड आई के बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। ये हमारे पास पेस्टल के बच्चे निकले हुए हैं, जायंट साइज के तीन बच्चे हैं, जितने बड़े साइज के इनके माँ बाप नहीं इतने बड़े साइज के इनके बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह, तीन बच्चे हैं और बहुत प्यारे बच्चे निकले हुए। इससे पहले भी बच्चे निकले थे वो मैंने आगे पीछे पोस्टर किए हुए हैं, दो बच्चे यहाँ पर हैं, तीन बच्चे यहाँ पर हैं और तीन बच्चे यहाँ हैं। इससे पहले का एक क्लच था दो बच्चों को मैं बाहर घुमा चुका हूँ। तो दोस्तों देखें इसके अंदर है ना माशाल्लाह रेड आईज वगैरह के बच्चे वगैरह चल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मेरे पास और बच्चे निकले हुए हैं रेड आईज के, मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ठीक है ना। ये देखें माशाल्लाह क्रिस्टेड के, दोस्तों माशाल्लाह ये देखें मैं आपको यहाँ पर प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, जो बच्चे मैं अलग कर चुका हूँ ठीक है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। देखें इसके अंदर हमारे पास वाइट यूरोज हैं, रेड ग्रे हैं, रेड ब्राउन्स हैं, ब्लैक ब्राउन्स हैं और ब्लैक ग्रे हैं। ये हमारे पास माशाल्लाह सारे यूरो की कलेक्शन है, इसमें से 10 एक दाने में ऑलरेडी कराची के अंदर बेच चुका हूँ, कोई चार लेके जा चुका है, कोई तीन लेके जा चुका है, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है। और अभी कल या परसों के अंदर मुझे इसमें से 10 से 12 दाने लाहौर भेजने हैं एक भाई को, उन्होंने दो महीने पहले बुक कराए हुए थे मुझे, जिसमें रेड ग्रे हैं, वाइट यूरो हैं और रेड ब्राउन यूरो हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इन यूरोस के अंदर कलेक्शन आती है रेड आईज के अंदर, तो रेड आई के अंदर मेरे पास क्रीमिनो यूरो के माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं, अल्बाइनो यूरो के बच्चे निकले हुए हैं और साथ में स्प्लिट्स निकले हुए, और ग्रे इनो यूरो के बच्चे निकले हुए और उनके स्प्लिट्स निकले हुए रेड आईज के स्प्लिट्स। ये जितना आप ब्लैक एंड वाइट भी देख रहे हैं ना सारे स्प्लिट्स हैं इनो के, सारे इस कॉलोनी के अंदर रेड आईज और रेड आई के स्प्लिट हैं, इसके अंदर सारी ब्लैक आई की वर्किंग है। फिर इसके ऊपर हमारे पास ये नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट बंगलाइज है, कुछ 40-50 बच्चे निकल आए थे, अब मेरे ख्याल 20 एक बच्चे बचे हैं, ये भी निकलते जाते हैं, कोई बंदा आता है ना रेयर बर्ड लेने तो साथ में वो इनकी डिमांड करता है, तो ये भी अगर आपके पास होता है लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर तो ये भी आपके पास सेल होता जाता है। बाकी मेरे पास फिर इधर बचता है जेबरा की कुछ चिक्स हैं, ठीक है ना। ये देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जेबरा के तकरीबन इसमें 8 बच्चे थे,
ठीक है। अब मेरे पास लास्ट 3 बच्चे बटे बचे हैं, 5 जा चुके हैं, 3 एक भाई लेके चले गए थे और 2 अभी एक भाई लेके गए हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उन भाई की वीडियो भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। उसके बाद मेरे पास कुछ गोल्डियन के बच्चे निकले हुए हैं, इसमें भी कुछ 40-50 गोल्डियन के बच्चे थे, जिसमें से येल्लो के 10-12 बच्चे बचे हैं येल्लो के, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा यहाँ से अगर आप लोगों को दिख जाए ना, ठीक है, इसके अंदर येल्लो उसके बच्चे बचे हुए हैं डाइल्यूट और येल्लो के, और उधर बचे हैं ग्रीन के बच्चे। ग्रीन के भी 20-25 बच्चे थे रेगुलर गोल्डियंस के, ठीक है, उसमें से भी अभी लिमिटेड बच्चे। फिर मेरे पास आउल और शाफ्टेल्स के भी बच्चे निकले हुए, ये देखें यहाँ पर माशाल्लाह शाफ्टेल और आउल है। यहाँ लाइट का थोड़ा सा इशू है तो हो सकता है सही वीडियो ना दिख रही हो आप लोगों को, तो उसमें माशाल्लाह हमारे पास अल्बाइनो शाफ्टेल्स हैं, स्प्लिट अल्बाइनोज हैं, और फाउन स्प्लिट्स आउल के भी बच्चे निकले हुए, ये देखें आपके सामने, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ आते हैं क्रीमिनो और अल्बाइनो क्रिस्टेट्स। इसमें हमारे पास आते हैं अल्बाइनो और क्रीमिनो क्रिस्टेट्स, क्रिस्टेड और क्रीमिनो योरोस के कुछ अडल्ट पेयर हैं जो पेयरिंग के बाद मेरे पास बचे हैं, 3-4 ही पेयर हैं। अगर किसी को चाहिए हो, बेस्ट अर्निंग बर्ड है ये, ठीक है, इसको आप ब्रीड पर लगाएं, माशाल्लाह 5-5, 6-6 बच्चों की एवरेज देता है ये, और क्लासिकल ब्रीड करता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये अपने सेटअप पर आप लगाएं और बेहतरीन ब्रीड हासिल करें। 3-4 पेयर मेरे पास बचे हैं, मैं विजुअल टू विजुअल के भी पेयर दे दूंगा और स्प्लिट टू विजुअल के भी पेयर आपको मिल जाएंगे अगर किसी को चाहिए होंगे तो। तो भाई सीज़न की फर्स्ट प्रोग्रेस ऐसी कुछ थी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रहा सही तरह, तो इसलिए मैं सही तरह वीडियो नहीं बना पाया। कुछ चेक्स आपको यहाँ पर दिखाए मैंने, कुछ यहाँ दिखाए, और मेरे पास 30-40 वाइट बंगलाइज के पट्टे थे, वो भी जा चुके हैं एक ही भाई, दो भाई, बल्कि एक भाई 15 पीस लेगा और एक भाई 25 पीस लेके चलेगा। पूरी यहाँ पर स्लॉट था पूरा हमारे पास, एक क्लच था, वो पूरा का पूरा सेल हो गया। अब रेड आई इंशाल्लाह इसके ऊपर इनके पेयर्स बनेंगे और ये भी जाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसी तरह वीडियोस को देखते रहें, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह, बेहतर वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। अभी बहुत जल्दी में वीडियो बनाई और बहुत मुख्तसर सी वीडियो मैंने बनाई है। मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।